दिल्ली में अगले साल जनवरी फरवरी में विधानसभा का चुनाव होना है। आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया का जेल से बाहर आते ही तैयारी शुरू कर दी है। इस रणनीति के तहत शुक्रवार को आपके नेताओं, सांसदों, विधायकों और पार्षदों के साथ दिल्ली पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बैठक की। बैठक में फैसला लिया गया कि बीजेपी की साजिशों से पर्दा उठाने के लिए सिसोदिया 14 अगस्त से दिल्ली में पदयात्रा करेंगे। उनकी पदयात्रा सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव संदीप पाठक के मुताबिक दिल्ली विधानसभा चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने की संभावना है। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि मनीष सिसोदिया हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे, जहां इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। दिल्ली में अगले साल जनवरी फरवरी में विधानसभा का चुनाव होना है। आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया का जेल से बाहर आते ही तैयारी शुरू कर दी है। इस रणनीति के तहत शुक्रवार को आपके नेताओं, सांसदों, विधायकों और पार्षदों के साथ दिल्ली पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बैठक की। बैठक में फैसला लिया गया कि बीजेपी की साजिशों से पर्दा उठाने के लिए सिसोदिया 14 अगस्त से दिल्ली में पदयात्रा करेंगे। उनकी पदयात्रा सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव संदीप पाठक के मुताबिक दिल्ली विधानसभा चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने की संभावना है। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि मनीष सिसोदिया हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे, जहां इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं।